महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से सांसद नवनीत राणा एक थाने में पुलिस वालों से ही भिड़ गईं। मामला यह है कि वहां 19 साल ही की एक हिंदू लड़की लापता है और उसके परिवार को गुमशुदगी के पीछे लव जिहाद का शक है। इसी बात की शिकायत करने गुस्से से तमतमाई नवनीत राणा अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंची और पुलिस स्टेशन में कदम रखते ही वो DCP समेत बाकी पुलिस वालों पर बरस पड़ी। नवनीत राणा को भड़का हुआ देख पुलिस वाले भी घबरा गए। उन्होंने राणा को शांत करने के लिए समझा बुझाकर कुर्सी पर बैठाया। हमारी बेटी है, हमारे विचारधाराओं के साथ में अलग गई है, हमको सिर्फ लाके सामने करो। लेकिन इसके बाद तो पूरा मामला लापता लड़की से एक कॉल रिकॉर्डिंग पर ही घूम गया और नवनीत राणा ने पुलिस वालों को डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि लड़की की तलाश करवाने के लिए उन्होंने पुलिस को फोन किया था, मगर पुलिस ने अवैध तरीके से उनकी कॉल ही रिकॉर्ड कर ली, जबकि वो एक जनप्रतिनिधि है। तुमची हिम्मत कशी झाली माझा फोन रिकॉर्ड करण्याची? सीपीला इथे बोलवा नाही तर मी उठत नाही इथून। पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा पसरा था। आवाज सुनाई दे रही थी तो सिर्फ नवनीत राणा की अपनी कॉल। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए। रिकॉर्डिंग पर आग बबूला राणा के सामने DCP तक से कुछ बोलते नहीं बना। मगर फिर मामला इतना गर्म हो गया कि नवनीत राणा और DCP दोनों अपनी कुर्सी से उड़ गए और तीखी बहस करने लगे। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं हुई और ना होती हुई दिख रही है, क्योंकि आरोप है कि अमरावती में लव जिहाद की वजह से किसी लड़की के लापता होने का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि वहां कई लड़कियां गायब हो चुकी हैं। इसलिए जब एक और लड़की लापता हुई तो नवनीत राणा ने खुद PSI को कॉल की, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि PSI ने उनका फोन ही रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। हमारी लड़कियों को बचाएगा कौन, उनके प्रश्न कौन उठाएगा? अगर हम जैसे लोग उठाते तो हमारे फोन रिकॉर्डिंग करते। हालांकि DCP ने सफाई दी कि नवनीत राणा ने PSI के पर्सनल मोबाइल नंबर पर फोन किया था और कॉल जानबूझकर रिकॉर्ड नहीं की गई। आजकल प्रत्येक मोबाइल मध्ये ऑटो रिकॉर्डिंग ही कांसेप्ट आहे, त्यानुसार तो झाला असेल। वहीं लड़की की गुमशुदगी पर एक्शन न लेने के आरोप को पुलिस ने झुठलाया और दावा किया कि वो तहकीकात में लगी है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि मामला लव जिहाद का है या नहीं।